शहनवाज उर्फ बद्दू को सिम कार्ड दिलवाने में मदद करने वाले दो और लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। धर्मांतरण मामले में मुजीबुर रहमान के दो बेटों को भी मुंबरा पुलिस ने शाहनवाज के अलावा गिरफ्तार किया है, जिनके नाम है तौसीफ मुजीबुर रहमान शेख और आर्यन शेख। आरोपियों के पिता के मुताबिक उनके बेटों ने गाजियाबाद के शज्जू खान नाम के शख्स को सिम कार्ड दिया था, न कि शाहनवाज को। गुनाह होगा उनका तो भाई उनको माफ कर दो, और अगर सजा ही देनी ना तुझे बाप ने पैदा किया उसके बाप को सजा दो ना भाई, फांसी भी लड़का तो कभी गिरफ्तार किया उनको कल रात को भाई रात को शाम को आए मुझे हमको खाली इंक्वायरी करने होते वारंट वीरंट कुछ भी नहीं। पकड़े गए दोनों शख्स पर शाहनवाज को शरण देने का भी आरोप है। शाहनवाज खान बीच में आया था उधर घर पे, मैं तो काम पे जाता हूँ, घर पे आया था तो उसको पिता लोग ने दो सेवल के स्टे किया, फिर मेरा बेटा वाला बेटा तुम यहाँ मत रहो बोल के चला जा, अपनी जो चैट पीटे उसको तो देखिए डिलीट कर दे, मेरे को नहीं मांगता बोलिए ये सब कुछ, और मेरा बच्चा इतना इन्वॉल्व भी नहीं है, बाहर मेरे को माफ करो, मेरे बच्चों को छोड़ दो और दूसरे बच्चों लोगों से ऐसा मत करो। आरोपी के पिता की बात आपने सुनी, लेकिन कौन कौन इस आरोपी के साथ जुड़ा हुआ था और कैसे धर्मांतरण का ये पूरा खेल होता था, लोगों को कैसे जाल में फंसाया जाता था, इन्फॉर्मेशन वॉल पर इस बारे में भी डिटेल आपके सामने, क्योंकि गैर मुस्लिम व्यक्तियों के नाम से जिस तरीके से आईडी बनाई गई कई बड़े खुलासे इसको लेकर हो रहे हैं, क्योंकि फेक आईडी से ही वीडियो गेम फोर्टनाइट और साथ ही वॉलरेंट को लेकर बड़ी खबरें आई। गेम में बच्चों की हार पर किस तरीके से उन्हें कुरान पढ़ाने की बात को लेकर बड़ा खुलासा हुआ, आयतें पढ़कर गेम में बच्चों को जितवाने का जिस तरीके से लालच दिया गया और फिर कुरान पर भरोसा दिलवाने के लिए जिस तरीके के लिटरेचर उनके साथ शेयर किए गए, फेक आईडी बनाकर हिंदू लड़कों से चैटिंग करने की जो कोशिश की गई और चैट में ही इस्लाम को महान बताने की जो कोशिश की गई उसके तहत बड़े खुलासे हुए, ये कहते हुए कि दूसरे धर्म झूठा है, दूसरा धर्म झूठा है और बच्चों को जाकिर नायक के वीडियोज दिखाकर भी उनका ब्रेन वॉश करने की कोशिश की गई। हालांकि भाषण सुनाकर इस्लाम अपनाने के लिए कैसे प्रेरित किया गया यह भी जानने की कोशिश की जा रही है और उसको लेकर कई बड़े खुलासे भी हो रहे हैं।